Hello everyone, welcome to my channel 24/7 English. In this video, we are going to discuss about the third poetry in Flamingo book by the title Keeping Quiet. Keeping Quiet, शांत रहना. आपने नॉर्मली देखा होगा क्लासरूम में जाते हैं, बैठते हो, मैम आती हैं, सब बच्चे शोर मचा रहे हैं, and immediately the teacher says, keep quiet, students, all of you. What does it mean? चुप हो जाओ सब. अब चुप होके क्या करना है? चुप होने का मतलब कि there is no discussion, no communication, कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं, कोई मूवमेंट नहीं. फिर उसके बाद मतलब कि आपने शांत रहना है और सिर्फ अपने ब्रेन को यूज करना है. और ब्रेन को कहाँ यूज करना है? इंट्रोस्पेक्शन के लिए, अपने बारे में सोचना. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्लास कि क्लास में आपको ऐसा करना है, बट एक नॉर्मली बात कि अगर हम शांत रहते हैं तो हम क्या करते हैं. जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं मेडिटेशन का. मेडिटेशन एक बेस्ट वे आउट है टू इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ. अब इंट्रोस्पेक्शन क्या है? इंट्रोस्पेक्शन मतलब टू इंस्पेक्ट योरसेल्फ, आर ओन थिंग्स और आर ओन वैल्यूज और आर ओन क्वालिटीज, अपने अंदर झांकना जिसको कहते हैं, अपने बारे में सोचना. अब आपसे नॉर्मली कोई पूछे कि आपकी फ्रेंड है, सपोज जो भी बेस्ट फ्रेंड, तो आपसे पूछा जाए कि अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में कुछ बताइए, आप इमीडिएटली बताएंगे कि मेरी फ्रेंड या मेरा फ्रेंड ऐसा है, ऐसे हैं, उसमें ये क्वालिटीज हैं, ये स्ट्रेंथ्स हैं, ये वीकनेसेस हैं. लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि क्या आप अपने बारे में 5 वीकनेसेस और 5 स्ट्रेंथ बता सकते हैं, तो यू कीप ऑन थिंकिंग कि मेरे अंदर क्या ऐसी क्वालिटीज हैं या स्ट्रेंथ्स हैं या वीकनेसेस हैं. वही चीज हम यहां पे लेकर आए हैं कि अपने आप को जानना. हमें दूसरों को जानने से पहले अपने आप को जानना कितना जरूरी है, और वो सिर्फ हमारे अपने लिए ही नहीं, फॉर द बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड, पूरे वर्ल्ड के लिए, सबकी बेटरमेंट के लिए, सबकी खुशहाली के लिए हमें अपने आप को जानना पहले जरूरी है. क्यों? क्योंकि सबसे पहले अगर हम अपने आप को चेंज करेंगे तो बाकी सब कुछ एनवायरमेंट तो खुद खुद चेंज हो ही जाएगा. क्योंकि हम हमेशा ब्लेम गेम करते रहते हैं, किसी को ब्लेम करते हैं, कभी किसी चीज को ब्लेम करते हैं, लेकिन हम अपने बारे में ना देखते हैं, ना सोचते हैं, ना जानने की कोशिश करते हैं. सो हियर इन दिस पोएट्री कीपिंग क्वाइट, रिटन बाय द पोएट पैब्लो नेरुडा. पैब्लो नेरुडा वॉज बॉर्न इन 1904 एंड डाइड इन 1973. एक्चुअली पैब्लो नेरुडा ही वॉज बॉर्न इन चिले. चिले इज लोकेटेड इन द साउदर्न अमेरिका पार्ट. इट्स अ कंट्री इन साउदर्न अमेरिका. And properly in Chile, he was from Parral. अब Pablo Neruda उनका actual name नहीं था. It was his pen name. Pen name क्या होता है? Pen name होता है जैसे आप कुछ writing करते हैं या आप कुछ author हैं या कोई articles लिखते हैं, but you don't want to disclose your name. आप अपना नाम disclose नहीं करना चाहते public के सामने. तो आप क्या करते हैं? एक pen name लेके उससे आप वो सब अपनी writings और ये सब publish करवाते हैं. तो वो जो नाम आपका वहां पब्लिश होता है, दैट रिटन बाय दिस पर्सन और रिटन बाय दैट पर्सन, दैट इज पेन नेम. और इनका एक्चुअल नेम क्या था? इनका एक्चुअल नेम था नेफली रिकार्डो रेयस वोसेल्टो. थोड़ा डिफिकल्ट है, बट स्टिल यू मस्ट बी अवेयर कि इनका एक्चुअल नेम ये था और इनका ये जो पैब्लो नेरुडा है, इनका पेन नेम था. वैसे आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मार्क्स आपके पैब्लो नेरुडा के बेस पे ही मिलेंगे. सो बिफोर स्टार्टिंग आई वॉन्ट टू से समथिंग अबाउट पैब्लो नेरुडा, क्योंकि जो पोएट्री है दैट इज वेरी सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड. वो ऐसी इमेजेस हमारे सामने क्रिएट करती है जिसको हम आराम से समझ सकते हैं. और जब आप ये पोएट्री पढ़ेंगे तो आप इस सिचुएशन, जो आज के टाइम का प्रेजेंट सिचुएशन है, उससे आप अपने आप ही आप उसको रिलेट कर सकेंगे और आपको लगेगा कि हाँ, इट्स वेरी मच को रिलेटिंग विद टूडेज एनवायरमेंट और टूडेज सिनेरियो. Now, before we read, what does the title of the poem suggest to you? What do you think the poem is about? क्या लगता है keeping quiet, जैसे मैंने आपको बताया, किसके बारे में है? So, let's discuss about the theme, कि किसके बारे में है? Now, the poet stresses on the value of silence, stillness in our life. हमारी लाइफ में silence और stillness की क्या value है? Silence मतलब कि शांति, और स्टिलनेस मतलब कि कोई एक्शन नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, उसकी वैल्यू क्या है? देन ही स्ट्रेसेस अपॉन बीइंग क्वाइट एंड हार्मलेस टू द
ह्यूमन बींग्स. अब कहते हैं हमें क्या, हमें क्वाइट एंड हार्मलेस, शांत रहना चाहिए. बहुत जोश में आना या बहुत गुस्से में आना, फुल ऑफ एंगर, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, उसकी जगह हमें शांत रहना चाहिए. और हमें नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स, सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए ही हार्मलेस नहीं होना चाहिए, बल्कि टुवर्ड्स एनिमल्स एज वेल एज एनवायरमेंट. कि सिर्फ ह्यूमन बींग्स का ही नहीं ध्यान रखना, हमें एनिमल्स का और एनवायरमेंट का भी ध्यान रखना है. और हमें ऐसे काम करने हैं जिससे इनमें से किसी को भी किसी तरह का कोई हार्म ना हो. दैट इट शुड बी बेनिफिशियल टू एटलीस्ट दोज पीपल और एनिमल्स और एनवायरमेंट ऑल्सो. इन ऑर्डर टू मेंटेन पीस एंड हार्मनी, खुशहाली, इन ऑर्डर टू मेंटेन पीस एंड हार्मनी, इट इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप एंड इंट्रोस्पेक्ट आवरसेल्व्स. क्या जरूरत है हमें कि कुछ टाइम के लिए हम रुक जाएं और अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें, अपने बारे में सोचें, अपने अंतर मन में झांके और अपने आप को तलाशें. सो द मेन वी गेट टू वर्ड्स फ्रॉम हियर, इंट्रोस्पेक्शन एंड रेट्रोस्पेक्शन. सो इंट्रोस्पेक्शन क्या है, रेट्रोस्पेक्शन क्या है, एंड देन फाइनली म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या है. ये हमारे मेन थीम है हमारी इस पोएट्री के. इंट्रोस्पेक्शन, जैसे मैंने आपको बताया कि अपने बारे में सोचना, अपने अंदर झांकना, अपनी बुराइयों को, अपनी कमियों को, अपने स्ट्रेंथ्स को जानना, टू नो योर सेल्फ अबाउट योर स्ट्रेंथ्स, योर वीकनेसेस, एंड इवन ट्राई टू कन्वर्ट योर वीकनेसेस इनटू योर स्ट्रेंथ्स. क्यों? क्योंकि आपकी असली स्ट्रेंथ वही होगी जब आप अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर देंगे. अगर हम अपनी वीकनेस के बारे में सोचते रहें तो हम लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, एंड वी वॉन्ट बी एबल टू हैवी. एंड देन ही सेज रेट्रोस्पेक्शन. अब रेट्रोस्पेक्शन क्या होता है कि हमने जो काम किया उसके बारे में सोचना बाद में. जैसे कहते हैं ना कि आप पूरा दिन सोने से पहले थोड़ी देर मेडिटेशन करिए और अपने बारे मेडिटेशन में ये सोचिए कि आपने पूरा दिन जो काम किया क्या वो किसी के लिए बेनिफिशियल था, किसी को कोई नुकसान तो नहीं हुआ, किसी को आपने हार्म तो नहीं पहुंचाया, क्या आज आपने किसी को खुश किया. मतलब वॉट एवर यू आर डूइंग इन द एंटायर डे और बिफोर दैट, सो यू मस्ट थिंक ओवर दैट ऑल्सो. अपने बारे में सोचकर आप अपने कामों के बारे में भी सोचिए कि आप जो कर रहे हैं वो बाकी लोगों के ऊपर क्या इफेक्ट है उसका. एंड देन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कि हम सबकी आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है अगर हम इस वर्ल्ड में पीस, हैप्पीनेस, हार्मनी चाहते हैं, हार्मनी चाहते हैं तो. सो लेट्स स्टार्ट द पोएट्री. नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. नाउ पोएट सेज वी विल काउंट टू 12. अब वो पर्टिकुलरली 12 ही क्यों कह रहा है? अब 12 से वी कैन से 12 मंथ्स भी हो सकते हैं, बिकॉज 12 मंथ्स का कैलेंडर होता है. एक दिन के 12 आवर्स भी हो सकते हैं, प्लस 12 प्लस 12 हमारे 24 आवर्स बनके एक पूरा डे बन जाता है, और 12 आवर्स में हमारा हाफ डे होता है. और आप उसको वन उसमें क्लॉक में देखेंगे तो आपके टोटल 12 आवर्स होते हैं. तो आप ये भी कह सकते हैं कि वो किस तरह से उसको काउंट कर रहा है, कि 12 मंथ्स लेके चल रहा है, 12 आवर्स लेके चल रहा है, या मिनट्स लेके चल रहा है. मतलब वॉट एवर यू कैन थिंक, इट्स अप टू यू. क्योंकि पोएट ने ये आपके ऊपर छोड़ दिया है कि आप 12 तक काउंट कर रही है. अब वो 12 आपके मिनट्स हैं, 12 सेकेंड्स हैं, 12 आवर्स हैं, या 12 मंथ्स हैं, इट्स अप टू यू. एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. और उतने टाइम के लिए हम बिल्कुल स्टिल, स्टिल मतलब नो मूवमेंट, एकदम स्टैचू जैसे कहते हैं, जैसे बच्चे खेलते हैं नॉर्मली गेम जिसमें स्टैचू खेलते हैं. तो स्टैचू में क्या होता है, वो कोई मूवमेंट नहीं करते, और मूवमेंट करते हैं तो वो आउट हो जाते हैं. आपने भी खेला होगा या देखा होगा. तो वही चीज यहाँ पे कि वी विल ऑल कीप स्टिल, कि हम बिल्कुल एकदम स्टिल हो जाए, विदाउट एनी मूवमेंट, नो मूवमेंट्स, कुछ काम नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस एकदम स्टिल. अब स्टिल होके क्या करना है? फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच. नाउ व्हाट ही सेज, वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ, कम से कम एक बार ऑन द फेस ऑफ अर्थ, हमारी अर्थ के ऊपर जिस पर हम रहते हैं, जो हमें इतना कुछ देती है, लेट्स नॉट स्पीक ऑफ एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में बात ना करें. लैंग्वेज में बात ना करें मतलब कि हम आपस में कोई भी कम्युनिकेशन ना करें, सब चुप रहें, शांत रहें, कोई शोर शराबा नहीं किसी भी तरह का. क्यों? क्योंकि हमारी कम्युनिकेशन होती है तभी हमारी बातचीत शुरू होती है. बातचीत से क्या होता है कि हमारे आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाते हैं, और आर्ग्यूमेंट से क्या होता है, फिर फर्दर इट लीड्स ऑन फाइट. तो हम कोई भी लैंग्वेज आपस में ना बोले, चुप रहे एकदम.
एंड स्टॉप फॉर वन सेकेंड एंड नॉट मूव आर आर्म्स सो मच कि हम अपने हाथ बिल्कुल ना हिलाएं, एटलीस्ट एक सेकेंड के लिए बिल्कुल स्टिल हो जाए. अब यहाँ पे पोइट आपको कह रहा है आर्म्स. आर्म्स यहाँ पे आपके हैंड्स भी हो सकते हैं एंड प्लस ही कैन मे बी टॉकिंग अबाउट द वेपन्स ऑल्सो. वेपन्स कैसे? जो हम वॉर में यूज करते हैं, लड़ाई झगड़े में, या आप जिसको कह सकते हैं कि युद्ध में लेके जाते हैं, आपकी गन्स हैं, बुलेट्स हैं, ये सब चीजें हम उसको बिल्कुल भी यूज ना करें, उसको मूव ना करें. इट वुड बी एन एग्जॉटिक मूवमेंट विदाउट रश विदाउट इंजन्स वी वुड ऑल बी टूगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस. अब आप देखेंगे फोर फोर लाइन्स का आपको सेंसा दिया हुआ है और उसमें पूरा मीनिंग आपको पोएट ट्राइज टू मेक यू अंडरस्टैंड. सो इट वुड बी एन एग्जॉटिक मूवमेंट विदाउट रश विदाउट इंजन्स. एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवमेंट होगा, एक लम्हा होगा ऐसा बहुत सुंदर जिसमें कोई रश नहीं, कोई भागदौड़ नहीं, कोई इंजन्स नहीं, कोई शोर नहीं. इंजन्स यहाँ पे किसे? गाड़ियों का शोर, मशीनरी का शोर, इंडस्ट्रीज में शोर, वो सब कोई भी किसी तरह का कोई शोर नहीं. इट वुड बी ऑल टूगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस. और सब एक साथ होंगे और कैसे होंगे? एक अलग ही तरह की स्ट्रेंजनेस होगी. स्ट्रेंजनेस मतलब अजीब सा माहौल एंड जिसे हम स्ट्रेंजर्स कहते हैं कि अजनबी, ऐसा अजनबी वाला माहौल एकदम होगा क्योंकि कोई भी आपस में कोई बात नहीं, सब शांति, कोई मशीनरी का शोर नहीं, किसी और तरह का शोर नहीं, बस सब शांत. तो सब एक जैसे होंगे उस टाइम पे. एंड उसमें क्या है कि अगर हम सडन स्ट्रेंजर्स इस टाइम पे आते हैं तो वी कैन अचीव अ लॉट. हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में क्योंकि उस टाइम फिर हम अपने बारे में सोचेंगे. फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स. फिशरमैन इन द सी, कोल्ड सी, नाउ ही इज टॉकिंग अबाउट फिशरमैन. फिशरमैन मतलब यहाँ पे फिशरमैन को वो कह रहे हैं फिशरमैन दे आर पावरफुल बिकॉज फिशरमैन इज पावरफुल, दे कैन कैच द फिशेस, एक्वेटिक एनिमल्स, तो वो पावरफुल दिखा रहे हैं. और यहाँ पर वो कहते हैं वुड नॉट हार्म व्हेल्स और व्हेल्स को क्या दिखाया है? ही दबे हुए. और वो कहते हैं कि व्हेल्स हैं और व्हेल्स को फिशरमैन लगे हैं कैच करने में, पकड़ने में, अपने बिजनेस को वो करने में, जो बढ़ाने में, पैसा कमाने में. तो एटलीस्ट कि फिशरमैन कोल्ड सी में ना जाए और उन व्हेल्स को हार्म ना करें. व्हाई आई सेइंग पर्टिकुलरली व्हेल्स? बिकॉज व्हेल्स जो है वो सबसे बड़ा, दे आर द लार्जेस्ट एंड द बिगेस्ट एक्वेटिक एनिमल, सबसे बड़ा एनिमल होता है उसका, सी का, वाटर बॉडी का. तो वो कहता है कि उसको हार्म ना करें व्हेल को, उनको अपने ही तरीके से अपने स्टाइल में रहने दें एंड दे शुड अलाउ देम टू एंजॉय देयर लाइफ. एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स. मैन गैदरिंग सॉल्ट, जो लोग सॉल्ट कलेक्ट करते रहते हैं. अब सॉल्ट कलेक्ट करते रहते हैं तो उसमें ऐसी कौन सी अलग बात है? उसमें वो कहना चाहता है कि मतलब अपने काम में लगे हुए हैं, अपने आप में बिजी हैं, अपनी लाइफ को चलाने में, अपना पेट भरने में, पैसा कमाने में, वो लोग सॉल्ट गैदर कर रहे हैं, सॉल्ट इकट्ठा कर रहे हैं. अब आपको पता होगा कि अगर कभी चोट लग जाती है आपको और वहां पे हल्का सा नमक लग जाए तो यू कैन इमेजिन कि कैसा सिचुएशन होगा तब. और वो यहां कहता है वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स. क्यों? क्योंकि सॉल्ट जब वो कलेक्ट करते हैं तो हमें सॉल्ट जो नॉर्मली हमारे घरों में मिलता है वैसा सॉल्ट नहीं होता, ये तो बहुत रिफाइंड फॉर्म में आता है, वो रॉक सॉल्ट होता है. और जब वो रॉक्स कलेक्ट करते हैं तो कई बार उनके हाथों में वो चुभ भी जाता है और उससे क्या होगा? नेचुरली ब्लीडिंग होगी, चोट लग जाएगी. तो मगर उनको पैसा कमाना है, उनको काम करना है. अगर वो अपने हाथों को देखने लग जाएंगे तो वो बेचारे क्या होंगे कि वो बैठ जाएंगे. सो इसलिए वो कहता है कि एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए वो सॉल्ट गैदर करना बंद करें और अपने हाथों को देखें, मतलब कम से कम कुछ देर के लिए वो अपने बारे में सोचें, अपनी लाइफ के बारे में सोचें कि हम इस लाइफ में क्या सिर्फ यही काम करने के लिए आए हैं, क्या हमें यही करते रहना है और यही करते करते हम चले जाएंगे, या कुछ और भी करना है हमें लाइफ में. नाउ दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग. नाउ व्हाट ही सेज, द पोएट सेज दैट Those who prepare green wars means wars against nature. Nature के against जो war छेड़ी हुई है. अब nature के against war कौन सी है? In the form of development, by the name of industrialization, right? आप
नए नए मकान बनाते जा रहे हैं, नए नए घर बनाते जा रहे हैं, बिल्डिंग्स खड़ी करते जा रहे हैं, नई नई इंडस्ट्रीज लगाते जा रहे हैं, एग्रीकल्चरल लैंड को खत्म करते जा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है? इट इज हार्मिंग द नेचर, क्योंकि हमारा नेचर जो है वो इससे खराब होता जा रहा है. अब आप क्यों हमारे प्रॉब्लम्स आते हैं? डिफॉरेस्टेशन, ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है, आप कहेंगे कि आपने अपने पेरेंट्स से अगर पूछेंगे तो कहेंगे हमारे टाइम में तो इतनी गर्मी नहीं होती थी, लेकिन अब बहुत ज्यादा गर्मी होने लग गई है. और वो भी आप छोड़िए, अभी आप प्रेजेंट सिनारियो में ही देखिए कि अभी लॉकडाउन के टाइम पे जब सब कुछ बंद था तो आपने देखा होगा कि गर्मी नहीं थी, अचानक से मौसम इतना ठंडा हो गया. आप व्हाट्सएप पे पिक्स देख रहे हैं कि आपको पंजाब से ही हिमालयस नजर आ रहे हैं, बिल्कुल क्लियर, द स्काई वॉज टोटली क्लियर, एवरीथिंग वॉज विजिबल. एंड आपको खुद पता चल गया होगा कि आपको न्यूज के थ्रू बार बार बताया जा रहा था हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स दैट इज AQI वो बहुत इम्प्रूव हो गया है. दिल्ली की जो इतना पोल्यूशन लेवल था वो बहुत बिल्कुल डाउन हो गया है. तो वो कैसे हुआ? किसी ने कुछ नहीं किया, नेचर ने अपने आप ही बैलेंस सब कुछ कर लिया. लेकिन हुआ क्या कि लोगों की मूवमेंट बंद हो गई, लोगों ने आना जाना बंद कर दिया, सब अपने घर में बैठ गए और नेचर ने खुद को ही अपने आप बैलेंस कर लिया. एंड इवन यू मस्ट हैव हर्ड दैट आर ओजोन लेयर दैट हैज ऑल्सो हील्ड. ओजोन लेयर जो हमारे अर्थ के सराउंडिंग होती है वो भी हील होना शुरू हो गई थी. ग्लेशियर्स जो कंटिन्यूसली मेल्ट हो रहे थे वो भी, उनकी भी स्पेस जो था, स्पीड थी वो कम हो गई थी, ग्लेशियर्स मेल्ट होना भी कम हो गए थे. वाटर बॉडीज जो है उनमें पानी भर गया था, यमुना क्लीन हो गई, गंगा क्लीन हो गई. तो ये सब क्या है? ये सब यही चीजें हैं कि हम जो वॉर अगेंस्ट नेचर, मतलब नेचर के अगेंस्ट जो हमने ग्रीन वॉर छेड़ रखी है, जो हम नेचर को हार्म पहुंचाते जा रहे हैं, और अल्टीमेटली वो क्या होता है? वो हमारे ऊपर ही उसका इफेक्ट आता है. Wars with gas, wars with fire. Now he is talking about two kind of wars. One, the green war, which is the war against nature, and the other war he is saying war with gas, wars with fire. मतलब जो हमारे nuclear bombs, hydrogen bombs, इन सब के through जो wars चली हुई है, जो हमारे first world war में, second world war में सब कुछ use हुए हैं, immunization और आपके weapons ये सब, वो wars, victory with no survivors, ऐसी victory जिसमें कोई जिंदा ही नहीं बचा. बाद में सब खत्म हो गए. उस विक्ट्री का क्या फायदा? कि आप जीत गए और आपके साथ उसको एंजॉय करने वाला कोई है ही नहीं. गुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग. ऐसे लोग, उनको क्या करना चाहिए? द पोएट रिकमेंड्स दैट दे वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स. क्लीन क्लोथ्स मतलब साफ सुथरे कपड़े पहनकर. साफ सुथरे कपड़े पहनकर मतलब कि व्हाइट कपड़े पहनकर जिसमें कोई ब्लडशेड ना हो, किसी तरह का ब्लड स्पॉट ना हो, मतलब किसी के खून के धब्बे ना लगे हो, या उन्होंने कोई ऐसा गलत काम ना किया हो, किसी को हार्म ना पहुंचाया हो जिसके धब्बे उनके कपड़ों पे लगे हो. बल्कि उनको चाहिए कि वो अपने आप को क्लीन रखें, अपनी सोल को क्लीन रखें, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स. और पूरे वर्ल्ड में, हर कंट्री में, ऐसा नहीं माने कि वो कंट्री अलग है तो वो हमारे एनिमीज हैं, ये कंट्री हमारे नेबरहुड में है, ये हमें सपोर्ट करती है तो ये हमारे फ्रेंड्स हैं. बट वी शुड कंसिडर एवरी, ईच एंड एवरी कंट्री मैन एज आर फ्रेंड्स, और उन सब के साथ चलकर इन जस्ट लाइक ब्रदर्स. ब्रदर्स मतलब एक दूसरे को भाई मानकर कि फॉर द बेनिफिट ऑफ द मैनकाइंड. उसके बारे में सोचें कि कैसे हमें पूरे वर्ल्ड को सुंदर से सुंदर बनाना है, क्या क्या चीजें हम इसके लिए कर सकते हैं, हम नेचर के फेवर में कर सकते हैं, नेचर के बेनिफिट के लिए कर सकते हैं. क्योंकि नेचर से हमने लिया तो बहुत कुछ है, लेकिन हमने दिया क्या है? तो हम वो भी सोचें कि हम नेचर को क्या प्रोवाइड कर सकते हैं अपनी तरफ से. इन द शेड डूइंग नथिंग, और ऐसा करें वो कि जाके शेड में, शेड मीन्स मोनी ट्रीज यू कैन से, कि जाके आराम से शांत होके बैठे शेड में, यानी लोगों की ब्लेसिंग्स लें और कुछ ऐसा काम ना करें जिससे दूसरों को हार्म पहुंचे. व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी. नाउ अगेन द पोएट सेज कि आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू विद टोटल इनएक्टिविटी. मतलब मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं करना चाहता कि तुम बिल्कुल इनएक्टिव बन जाओ, कि तुम कुछ काम ही ना करो, कि बस बैठ जाओ निठल्ले, कि अब हमें कुछ नहीं करना. क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ मैनकाइंड के बारे में सोचना है, हमें नेचर के बेनिफिट के बारे में सोचना है, हम कुछ नहीं करेंगे. ऐसे भी बहुत लोग होते हैं जो कुछ करना ही नहीं चाहते, वो सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करने की कोशिश करते हैं. मतलब दे नो वेरी वेल हाउ टू किल द टाइम. वो नहीं करना हमें. क्या वो क्या कहता है कि प्लीज ऐसा मत सोचो, कंफ्यूज मत हो कि मैं टोटल इनएक्टिविटी के बारे में बोल रहा हूँ कि तुम कुछ करो ही मत. बट क्या करना है? लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट. आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ. वो क्या कहता है? आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ.
Up here, you can see in your book also, to have no track with means to refuse to associate or deal with, मतलब कि ऐसे किसी के साथ काम करने से मना कर देना जो किसी के बेनिफिट में ना हो, या आप उसके साथ एसोसिएट करना या उसके साथ उसकी हेल्प करना उसके लिए मना कर देना। तो कहता है कि लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, लाइफ ऐसे ही चलती है और ऐसे ही चलेगी। कैसे? जैसे लॉकडाउन में सब लोग अपने घर में बैठे हैं, क्या लाइफ नहीं चल रही? बिल्कुल चल रही है। मार्केट्स बंद थी, अब तो काफी कुछ खुल चुका है, बट जब सब कुछ बंद था तब भी लाइफ आराम से चल रही थी और सब लोग आराम से बैठे थे अपने घर में। एक्चुअली हम लोगों को आदत हो गई थी बहुत ज्यादा बाहर घूमने की, लेकिन घर में रहकर भी कोई इतना बुरा नहीं लगा किसी को भी। सो ही सेज आई वांट नो ट्रक विद डेथ, कि वो नहीं चाहता कि ऐसे लोगों के साथ एसोसिएट किया जाए, ऐसे लोगों को हेल्प की जाए या ऐसे लोगों के साथ डील की जाए जो डेथ का बिजनेस करते हैं, मतलब जो दूसरों को मारने में बिलीव रखते हैं, जो अपने सेल्फिशनेस में लगे हुए हैं, अपने आप को बेटर बेस्ट बनाने में लगे हैं, उनके साथ नहीं काम करें। एंड इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आर लाइव्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, अगर हम सिर्फ सिंगल माइंडेड मतलब कि एक ही डायरेक्शन में सोचकर चलना, और वो कैसे कि सिर्फ अपने बारे में सोचना कि मैं सबसे अच्छा हूं, बाकियों को छोड़ो, जो करता है करने दो, मैं सबसे बेस्ट रहूं, मतलब कि मेरे पास सारी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मेरे पास सबसे ज्यादा बैंक बैलेंस होना चाहिए, बाकी कोई मरता है तो मरने दो, वो नहीं, वो ना सोचें। अगर हम ऐसे सिंगल माइंडेड ना बने अबाउट कीपिंग आर लाइफ मूविंग, कि अपनी ही लाइफ को मूव करने में लगे हैं, बाकी हमें उस अपने लाइफ को मूव करने के लिए चाहे कितने ही लोगों को कुचलना पड़े, कितनों को मारना पड़े, डजंट मैटर, बट वी आर गोइंग ऑन इन आवर ओन पाथ। ऐसा ना करें। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स आई यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ। क्या होगा उससे? फॉर वंस कुड डू, एक बार ऐसा टाइम आ जाएगा कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, और एक ह्यूज, एक बहुत बड़ा साइलेंस वो उस सैडनेस को इंटरप्ट करेगा। कैसी सैडनेस को? क्योंकि जब आसपास आपके लोग ही नहीं बचेंगे, आपके फ्रेंड्स नहीं बचेंगे, आपके फैमिली मेंबर्स नहीं बचेंगे, आपके जो आपकी केयर करने वाले हैं या आपके वेल विशर्स हैं वही नहीं होंगे, तो इट विल बी अ काइंड ऑफ सैडनेस अराउंड यू। और कहते हैं उस सैडनेस को क्या इंटरप्ट करेगा? वो कंप्लीट साइलेंस, एक सन्नाटा जिसको कहते हैं, ऐसा हो जाएगा ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, जिसमें हम अपने आप को कभी नहीं समझ पाएंगे, कभी नहीं जान पाएंगे, एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ। और हमें हमेशा सिर्फ यही डर सताता रहेगा, हमें यही डर लगा रहेगा, यही चीज हमको थ्रेटन करती रहेगी। थ्रेटन करने का मतलब कि हमें धमकी देती रहेगी। कैसे? कि बस अब तुम्हारा नंबर है, अब तुम जाने वाले हो, अब तुम मरने वाले हो, और हमें हमेशा मरने से डर लगता रहेगा। जैसा सब जानते हैं कि और किसी से कोई नहीं डरता, लेकिन सिर्फ एक मरने से डरते हैं। अब लॉकडाउन में सारे लोग अपने घर में क्यों बैठे? क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना हो जाए, और कोरोना हो गया तो क्या होगा? कि अगर हमारी बॉडी हमारा सपोर्ट करेगी या हमारा इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग होगा तो हम बच जाएंगे, वरना चांसेस मरने के भी हैं। तो बेसिकली डर क्या था? मौत का डर, डेथ का डर। तो वो कहता है ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, कि हमें अपने आप को यही डर सताता रहे, हम खुद को ये डराते रहे डेथ से। तो ऐसा टाइम ना आ जाए, उससे पहले ही हम अपने आप को संभाल लें और संभल जाएं। तो इट्स अ ग्रेट मैसेज गिवन बाय द पोएट इन दीज लास्ट फोर लाइंस, दैट परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट द सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ। ये एक बहुत बड़ा मैसेज पोएट ने हमें दिया है कि हम टाइम रहते अपने आप को संभाल लें और समझ जाएं। नाउ ही सेज दैट परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेथ एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। अब क्या कहता है? अब वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ आता है, एक होप के साथ आता है पोएट। क्या? कि अब वो कहता है कि हमें अर्थ एक बहुत बड़ा लेसन सिखाती है, बिकॉज अर्थ इज अ ग्रेट टीचर फॉर अस। क्या सिखाती है हमें? एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, कि जब हम सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया तो दोबारा से वो कहते हैं कि रीबर्थ होता है चीजों का, नई चीजें आती है। जैसे एक डेथ किसी की होती है तो कहीं कोई बच्चा पैदा होता है,
या हम नॉर्मल ये कह सकते हैं अर्थ के साथ कि जब हम कोई इफ वी सो एनी सीड इन द अर्थ, अगर कोई हम बीज बोते हैं और उसको वी कीप ऑन गिविंग द वॉटर एंड डायरेक्ट सनलाइट इज ऑल्सो अवेलेबल टू द सीड, तो धीरे 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 क्या होगा, आफ्टर फ्यू डेज और वीक्स द सीडलिंग्स विल ग्रो एंड अ स्मॉल प्लांट विल कम आउट. क्या होता है कि एक छोटा सा प्लांट ग्रो करता है और वो छोटा प्लांट से थोड़ा और बड़ा प्लांट बनता है, प्लांट से वो ट्री बन जाता है और एक बहुत बड़ा ट्री जो फिर आपको फ्रूट्स और बाकी वेजिटेबल्स या और कुछ चीज या और शेड ये सब कुछ प्रोवाइड करता है. तो इसमें क्या कहते हैं कि अर्थ हमें खुद सिखाती है कि जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, सब डेड है, कुछ भी नहीं है, लेकिन एक दोबारा से रीबर्थ होता है, हर चीज नई निकल के आती है. तो इट्स प्रूव्स टू बी अलाइव लेटर, उसको हमें फिर अपने आप अर्थ दिखाती है कि उसको फिर से अलाइव बना देती है. कि जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल बंजर हो गया और उसके कुछ टाइम बाद अच्छी बारिश आई और सब कुछ हुआ और फिर से वहां पे वो सब ग्रीनरी हो गई, तो वो फिर से अलाइव हो गया. नाउ द पॉइंट वांट्स टू से दैट कि द अर्थ इट नर्चर्स एवरीथिंग. नर्चर्स मतलब सबको पालती है, बिकॉज अर्थ इज द मदर ऑफ द एंटायर मैनकाइंड, वही सबको पाल रही है. हम लोग तो ऐसे ही खुश हो रहे हैं कि हम सब अपना आप कर रहे हैं खुश कर, लेकिन अगर हमें ग्रेस ना मिले, हमें वेजिटेबल्स ना मिले, हमें फ्रूट्स ना मिले, या अर्थ हमें ये सब चीजें ना दे, नेचर हमें यहाँ ना दे, तो इज इट पॉसिबल वी कुड सर्वाइव और वी आर एबल टू सर्वाइव ऑन द अर्थ? क्या हम रह सकते हैं? नहीं रह सकते. हम अपने घर में चाहें तो हम पानी नहीं बना सकते, वो हमें कहां से मिलेगा? हमें नेचर के थ्रू मिलेगा. जो वाटर साइकिल है, जब आपकी रेन आएगी, रेन के थ्रू ही आपको पानी मिलेगा. सो ये हमारी ड्यूटी बनती है दैट वी शुड ऑल्सो प्रिजर्व ऑल दीज नेचुरल थिंग्स. नाउ आई काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई गो. नाउ अगेन द पोएट सेज कि मैं अब आपको फिर से मैसेज दे रहा हूं दैट यू काउंट अप टू 12 एंड आई एम गोइंग, और वो जा रहा है. आई विल गो, कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और मैं जा रहा हूं. और आपको इस नोट के साथ ये सारी बातें समझाकर कि आप ऐसा करिए, इस तरह से करिए, नेचर को नुकसान मत पहुंचाइए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखिए, इंट्रोस्पेक्शन करिए, रिट्रोस्पेक्शन करिए, एंड यू शुड हेल्प द पीप ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एज वेल एज एनवायरमेंट. तीनों चीजों को कवर कर लिया इसने. एनिमल्स को कैसे कवर किया? गिविंग द मैसेज थ्रू फिशरमैन एंड वेल्स उस स्टैंजा में. देन ह्यूमन बींग्स को कैसे कवर किया है? आपके ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, फायर और इस तरह के, और नो ड्रग्स विद डेथ, इन सब चीजों को लेके आपने उन्होंने ह्यूमन बींग्स को कवर किया. एंड एनवायरमेंट को कैसे किया? जो लास्ट पैराग्राफ अर्थ से रिलेटेड. सो दिस इज द होल पोएट्री यू हैव डन. एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पोएट्री डिवाइसेस यूज इन दिस पोएट्री. सो एज वी कैन सी दैट पोएट हैज रिटन वेरी ब्यूटिफुली दिस पोएट्री एंड ही हैज यूज लॉट्स ऑफ पोएट्रिक डिवाइसेस. सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन. फ्रॉम द बिगनिंग वी कैन सी We will. Clear है? We will. Repetition हो रही है. जैसे आपको बताया था कि जब words repeat होते हैं, that is repetition. Then wars with fire. Again the words are repeating. Wars with fire. Without rush, without engine. So without. Repetition. So these are the examples of repetition. Now let's come to the alliteration part. Sudden strangeness, SS. जैसे आपने पहले भी पढ़ा है कि alliteration में क्या होता है कि आपका कोई एक syllable या कोई भी आपका alphabet कहेंगे या कोई एक sound, वो आपका common होना चाहिए, same होना चाहिए, एक ही line में. So sudden strangeness, SS. So यहां पे आ जाता है alliteration. Now his hurt hands. H, alliteration. Clean clothes, CC, alliteration. Now, here is also alliteration. We will. Wah. W की sound जो है वो 4 times आ रही है. तो यहां पर repetition and alliteration दोनों poetic devices use हुए हैं. Now let's come the another one, symbolism. Symbolism आपको बताया था कि अगर poet कोई symbol की तरह से use करता है किसी words को, तो उनको हम symbolism में count करते हैं. So यहां पर fisherman को लिया है as a powerful person, a powerful personality,
जो किसी को भी अपने पार से अप्रेस कर सकता है, दबा सकता है, कुचल सकता है. नाउ अनदर वन, व्हेल्स आर द सिंबल ऑफ ऑप्रेसर और अप्रेस्ड. अप्रेस्ड बाय द फिशरमैन, सो दिस इज ऑल्सो सिंबल. सॉल्ट गैदरर्स, सॉल्ट गैदरर्स जो हमारा सिंबल है वो किसका सिंबल है? ह्यूमैनिटी का. ह्यूमैनिटी के लिए सॉल्ट गैदरर यूज किया है पोएट ने. क्लीन क्लोथ्स, क्लीन क्लोथ्स हमारा सिंबल है पीस, सेरेनिटी, कंटेंटमेंट, इनके लिए क्लीन क्लोथ्स का यूज किया है. सो ये सब सिंबल्स हैं और दीज आर काउंटेड इन सिंबलिज्म. ये सब सिंबलिज्म पोएटिक डिवाइसेस के अंडर काउंट होंगे. नाउ वी कम टू पर्सोनिफिकेशन. एज यू कैन सी द अर्थ कैन टीच अस, एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, कि जब ह्यूमन और इनह्यूमन दोनों की कोई ऐसी क्वालिटी को रिलेट किया जाता है, जैसे ह्यूमन एट्रीब्यूट है टीच, टीचिंग करना, पढ़ाना, बट यहां पर वो क्या कह रहे हैं, द अर्थ कैन टीच अस, ये अर्थ हमें पढ़ा रही है, हमें सिखा रही है. सो हियर द टीच क्वालिटी ऑफ ह्यूमंस हैज बीन यूज्ड फॉर अर्थ. अर्थ के लिए ह्यूमन एट्रीब्यूट को यूज किया गया है, दैट्स व्हाई दिस इज पर्सोनिफिकेशन. एंड द लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट, इमेजरी. इमेजरी जैसा आपको बताया कि अगर हम कोई इमेज देखते हैं, यानी अगर आपको पोएट ने कोई ऐसा इमेज की फॉर्म में दिखाया है, ऐसा पोएटिक डिवाइस इज नोन एज इमेजरी. सो हियर व्हाट आर द इमेजेस, पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स. क्लीन क्लोथ्स जैसा उसने बताया है कि सब अपना क्लीन क्लोथ्स पहन के पीसफुल वे में अपना सब अपना मिलकर रहे, तो वो वहां पे एक इमेज दिखा रहा है हमें कि हमें किस तरह का लगेगा जब सब लोग शांत होके अपने नीट एंड क्लीन यानी पीसफुली वो बैठे हुए हैं क्लीन क्लोथ्स पहन के. देन अर्थ ही सेज नर्चरर और अ लाइफ गिवर. जैसे अर्थ जस्ट लाइक अ मदर, मदर की तरह वो नर्चर करती है, लाइफ प्रोवाइड करती है, लाइफ देती है. किसको? जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि सीड को सो करते हैं तो वो धीरे धीरे ग्रो करके सैपलिंग्स एंड देन इट बिकम्स प्लांट एंड फर्दर इट बिकम्स अ ट्री, तो वो ग्रो करके एक ट्री बन जाता है. सो अर्थ यहाँ पे नर्चर कर रही है, तो यहाँ एक इमेज दिखाई है, एक मदर की फॉर्म में अर्थ को दिखाया हुआ है. सो हियर इट इज इमेजरी. सो वी हैव कंप्लीटेड द होल पोएट्री एंड वी हैव डन द पोएट्रिक डिवाइसेस ऑल्सो, एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल. नाउ आई वुड लाइक टू से दैट प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियो इफ यू लाइक इट, सिंपली. सो कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड I have provided the question answers in the link given below, as I have provided in the previous videos also. And still, if you have not subscribed my channel, then please subscribe to the channel. And thank you very much. Thanks for watching.